अंबेडकर नगर लोकसभा सीट पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पहला ऐसा चुनाव जहां पहले चरण से गुस्सा बढ़ता जा रहा है, सातवें चरण में गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच जाएगा। चार चरण के बाद 400 पार का नारा भूल गए। भाजपा 400 सीटें हार रही है, देश की जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। इनके भाषण की भाषा बदल गई है, अब इनकी नफरत भरी कहानी कोई नहीं सुनना चाहता है। भाजपा ने सबको धोखा दिया है, 10 साल की सरकार में हर बात हर वादा झूठा निकला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो वैक्सीन से चंदा वसूल कर कह रहे हैं गटागट जनता वोट के बाद हटाएगी फटाफट। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी ने कहा कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, किसी की नहीं हुई। हर चीज की कीमत बढ़ा दी, जो कीमत बढ़ी है आज आसमान छू रही है। डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक, दवाइयां सब महंगा हो चुका है। ये संविधान मंत्र में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ हम सब लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। बताओ संविधान की रक्षा करोगे? अभी मैं शहर नहीं देखा हूं, लेकिन मैंने लखनऊ और बड़े बड़े शहरों में प्रचार जहां जहां होता हुआ देखा है कि दिल्ली वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी है। जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, ये जो डबल इंजन वाली सरकार वाले हैं, इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी है, लेकिन उस देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।